अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। स्लो मूविंग प्लैनेट्स मतलब न्याय के देवता शनिदेव, जो हर 2.5 साल के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, जो लगभग 1 साल के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और उसी प्रकार से राहु और केतु, जो लगभग 18 महीने 1.5 साल के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। एट प्रेजेंट इनका गोचर अनुक्रम रूप से मेष और तुला में चल रहा है। आज हम बात करेंगे कि कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए अब ये जो राशि परिवर्तन होने के लिए जा रहा है 30 अक्टूबर 2023 से लेकर, वहां से लेकर 18 महीने मतलब मई 2025 तक आपके लिए समय कैसा रहेगा। पिछले 16-17 महीनों से ये राहु आपके 8th हाउस में और केतु आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस में आपकी मेष राशि पड़ती है, अष्टम भाव त्रिक भाव में से एक है और बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। और मेष का राहु हर किसी के जीवन में जिस भी भाव में बैठा होगा उस क्षेत्र के संबंधित परेशानियां उस व्यक्ति के जीवन में इसने खड़ी की होगी। और उसी प्रकार से सामने केतु का परिणाम रहेगा। तो पिछले 16-17 महीनों से आपके जीवन में भूचाल सा मचा होगा। अष्टम भाव का राहु ये बहुत ही गोपनीय चीजों को उजागर करने वाला भाव भी माना जाता है। तो अगर आपके कोई सीक्रेट्स थे जो आपने बहुत ही दुनिया से छुपा के रखे थे, संजो के रखे थे, तो ऐसे सीक्रेट अप्रैल 2022 के बाद अचानक से बाहर आ गए हो, उसके कारण आपकी तकलीफें बड़ी हो सकता है। अष्टम भाव क्योंकि राहु के कारण इफेक्टेड था और मंगल की राशि में राहु था, इसका सीधा मतलब है पुरुष तत्व की राशि में राहु कभी भी अच्छा फल नहीं देता और मेष वाला राहु तो बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता। तो आपका जो एग्रेशन था, आपका जो उत्साह था, उसने इस राहु ने पिछले 16-17 महीनों में इसे तोड़ दिया होगा। अगर हम कहें कि आपके आत्मविश्वास की तो धज्जियां उड़ गई होगी तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। कितना भी प्रयत्न करें लेकिन जब परिणाम आने की बारी होगी 99 पर जाके आपको ऐसा झटका लगे कि आप वापस बॉटम पे आ जाए। सफलता दिखने लगे लेकिन सफलता आपके हाथ में ना लगे, ये घटनाक्रम राहु 8वें स्थान में बैठकर आपको कर रहा था। दूसरा, 8वें घर का राहु आपको एक प्रकार से बंधन योग में भी डाल रहा होगा। बंधन योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला, आर्थिक बंधन योग मतलब आपके आर्थिक उपार्जन की जो भी प्रवृत्तियां चल रही होगी वहां पे एक स्लोडाउन आपको महसूस हुआ होगा। चीजें एकदम स्लोली चल रही होगी, बहुत डिफिकल्ट तरीके से चल रही होगी। दूसरा प्रकार है शारीरिक बंधन योग, किसी न किसी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कई सारे कन्या लग्न और कन्या राशि वाले व्यक्तियों को इन 16-17 महीनों में हुए हो। तीसरा होता है सामाजिक बंधन योग मतलब घर परिवार में, आपकी खुद के परिवार में और सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं थोड़ी सी ध्रुमिल हुई हो, ऐसे घटनाक्रम ये बनते हैं। समाज के साथ और परिवार के साथ आपका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाए, ये घटनाक्रम ये राहु डेफिनेटली करवाता होगा। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन आपके जन्मांक में राहु की ऐसी रही हो तो फिर चौथा भी इम्प्लीकेबल होता है और वो है कानूनी बंधन योग। किसी न किसी प्रकार से कोई लीगल मैटर्स में आपको इन 16-17 महीनों में इन्वॉल्व होना पड़े, इन शक्यताओं से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से जब 8वां राहु था तो 2nd हाउस में आपके केतु चल रहे थे 16-17 महीनों से।
सेकंड हाउस मतलब आपका धन भाव, राहु तो वहां पे अष्टम भाव में झटके पे झटके दे रहा था, केतु उसे सपोर्ट कर रहा था, तो आर्थिक रूप से आपको बहुत सारी परेशानियां हुई होगी। क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली रिलेटेड भी है तो परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल में कमी, एक डिस्टेंस बढ़ जाना, एक ही घर में रहते हो लेकिन वैचारिक रूप से दूरियां बढ़ जाना, ये हो सकता है। कई सारे कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के जीवन में महादेव न करे, लेकिन देखिएगा कि अप्रैल 2022 से अभी तक के 16-17 महीनों में, क्योंकि फैमिली भाव को केतु इम्पैक्ट कर रहा था, तो शायद आपने अपने परिवार में से किसी एक स्वजन को भी खोया होगा, ये इम्पैक्ट करता है। और वाणी में एक प्रकार की कर्कशता इसने ला दी होगी। जब परिस्थितियां बहुत सी विपरीत बन जाती है तो सीधी सी बात है कि वो जो एक प्रकार की हताशा निराशा होती है उसके कारण आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और वो अभिव्यक्त होता है आपकी वाणी के द्वारा। तो आपकी वाणी भी थोड़ी सी कर्कश हो गई होगी इन 16-17 महीनों में। आपके व्यवहार में एक अजब प्रकार का क्या कहते हैं कि एग्रेशन दिख रहा होगा, बिन जरूरी चीज से कहते हैं। अब जब 30 अक्टूबर को ये चेंज होगा, मतलब राहु आ जाएंगे मीन राशि में आपके सेवंथ हाउस में और केतु आ जाएंगे लग्न में, मतलब 30 अक्टूबर से मई 2025 के बीच जितने भी ग्रहण लगेंगे वो सारे के सारे मीन और कन्या के एक्सिस पर लगेंगे। अब सामान्यतः आपने किताबों में पढ़ा होगा कि भाई ये अगर एक्सिस में आप आ जाते हैं 1-7 के राहु केतु के तो, और ग्रहण लगते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। गलत नहीं है, अर्ध सत्य है। स्त्री राशि में आ रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में आ रहे हैं, मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, राहु केतु का अपना कोई घर होता नहीं, तो जिस भी राशि में जा रहे हैं उस राशि की स्वामी की तरह वो बिहेव करना चाहते हैं, चलने लगते हैं। और स्पेशली अगर वो स्त्री राशि में हो तो मीन का राहु अच्छा ही परिणाम देता है। तो सेवंथ हाउस में जब राहु पहुंचेंगे और लग्न में केतु पहुंचेंगे उसका प्रभाव क्या रहेगा, जो भी मैंने अभी अभी बताया किस प्रकार से इन परिस्थितियों से आप बाहर निकलेंगे, 31 अक्टूबर से इसका प्रभाव एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जाते जाते 14 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को दो ग्रहण लगने वाले हैं। अभी भी आपके 8th और 2nd के एक्सिस पर ही दोनों ग्रहण लगेंगे, तो झटके देकर ये राशि परिवर्तन होगा। लेकिन आने वाले 18 महीनों में अपने इस एस्ट्रो दोस्त की वाणी को याद रखिएगा, वीडियो सेव करके रखिएगा कि ये आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव लाने वाले हैं। आप शायद मई 2025 में बैठ के चीजों को एनालिसिस करेंगे कि इन 18 महीनों से पहले वाला समय, मतलब जो अभी वर्तमान में आपका जा रहा था, तो आप ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं वो एक बुरा स्वप्न तो नहीं था। इस प्रकार से टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। सप्तम का राहु है देवगुरु बृहस्पति के साथ, इसका सीधा मतलब हुआ कि मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ अगर आपका डिस्टेंस बढ़ गया, अगर वहां पे वैचारिक मतभेद बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, गुरु अभी भी आपके 8वें घर से ही जा रहे हैं, अप्रैल 2024 तक वहीं रहेंगे लेकिन मई 2024 से वो आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। सोचिए राहु देवगुरु बृहस्पति के इन्फ्लुएंस में और मई 2024 से गुरु आपके भाग्य भाव में, भाग्य को पूरी तरह से एनर्जाइज करेंगे देवगुरु और राहु उन्हीं के इशारों के ऊपर चलेगा। एक गजब का सामंजस्य वाली परिस्थितियां आपके जीवन में पैदा होगी। तो कहां पे, सबसे पहले तो मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ अगर डिस्टेंस बढ़ा है, दूसरा अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है या फिर फैमिली बिजनेस है वहां पे कुछ परिस्थितियां विपरीत चल रही है, वहां पे आप सिग्निफिकेंट सुधार देखोगे। प्रयत्न आप कीजिएगा, थोड़ा सा संभल जाइएगा, लेकिन ये आप देखते जाइए कि किस प्रकार से होगा। सेवंथ का राहु है तो कार्यक्षेत्र में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा और अपॉर्चुनिटीज दिखना, अपॉर्चुनिटीज मिलना और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके उसका फायदा उठाना, ये काम करेगा लग्न का केतु। लग्न का केतु
सही दिशा में आपकी बुद्धि को दौड़ाएगा, सही समय पर सही निर्णय के लिए, निर्णय लेने के लिए आपको बाध्य करेगा। अभी जो 16-17 महीना चल रहे हैं उसमें हो सकता है कि आपने अपनी बुद्धि का उपयोग किया हो, लेकिन एट द एंड टाइम आपको लगा होगा कि यार जो कुछ भी प्लान किया सब कुछ धरा का धरा रह गया। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन 8 और 2nd से लग्न और 7th का होने वाला है, वहां पे केतु आपको सही विचार ही लाएगा, उसे आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और सही निर्णय ही आप लेंगे, जिससे भी आपको आर्थिक रूप से काफी सारा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। तो पहली खुशखबरी, आर्थिक दृष्टिकोण से हालात सुधरेंगे। दूसरी खुशखबरी, संबंध जहां पे भी खराब हुए थे वहां पे ये आपको फायदा देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जीव कारक तत्व है। तो मई 2024 के बाद आपकी जितनी भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वहां पे भी ये काफी सारा सुधार आपको दिखाएगा। और जब भाग्य भाव में मई 2024 से आपके कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु पहुंच जाएंगे, तो 1.5 साल में अभी भी 6 महीने के लिए तो अक्टूबर 2023 से वो आपके अष्टम स्थान में रहेंगे, लेकिन भाग्य स्थान में पहुंचने के बाद उसके बाद वाला जो 1 साल है वो आपके लिए लकीएस्ट समय कह सकते हैं। पिछले कुछ सालों में ये कॉम्बिनेशन, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज जब अच्छे समय में आती है, बुरा समय आप पास कर चुके हो, ऑलमोस्ट पास कर चुके हो, अक्टूबर तक अभी झटके लगने वाले हैं, उसके बाद एक थोड़ा सा मॉडरेट टाइम होगा और उसके बाद किस्मत का पटारा आपके लिए खुलेगा, श्योर शॉर्ट बात है। तो जो भी तकलीफ दे समय आप लोगों ने बिताया है, हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेडिशनल वे पे जाने वाले लोग हमसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन जो भी कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोग हैं उसमें से कई सारे लोग नीचे कमेंट्स में लिखेंगे, जो कुछ भी मैंने बताया है वो अगर आपके जीवन में चल रहा है बताइए कि ट्रेडिशनल वे से कुछ अलग। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान के ऐतिहासिक चैनल में आपका स्वागत है, तो जरूर से बताइएगा कि हाँ सर ये सब कुछ हुआ है, और वो हुआ है तो जो हम अभी अभी हमने आपको बताया वो सारी चीजें भी आपके जीवन में इस राशि परिवर्तन के साथ होने के लिए जा रही है, ये इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली करेंगे। अब नेगेटिव साइड भी थोड़ी सी जान लेते हैं। 1st और 7th का एक्सिस बनेगा, लग्न में केतु है और 7th में राहु है, तो अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक जितने भी ग्रहण लगेंगे वो आप ही के एक्सिस पर लगेंगे, मतलब मीन और कन्या के एक्सिस पर लगेंगे। तो जब भी वो ग्रहण लगने वाले हो उस समय के दौरान आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। किसी भी तारीख को ग्रहण लग रहा है तो उसके बाद वाले 15 दिन शांति से निकाल दीजिए, उन 15 दिनों में कोई भी बड़ा या एडवेंचरस डिसीजन मत लीजिए, उन 15 दिनों में अपनों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में मत उलझिए, उन 15 दिनों में अपने स्वास्थ्य के ऊपर, मतलब वो संभलने के दिन, ग्रहण एक साल में कुछ ही आते हैं, 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण सामान्यतः आते हैं, तो जितने भी ग्रहण जब जब भी आए उसके उस ग्रहण से 15 दिनों का समय अंतराल आप गिन लीजिए, वहां पे थोड़ा सा अपने आप को सिमट के रखिए, संजो के रखिए, अदरवाइज ये राशि परिवर्तन आपके लिए खुशियों का पिटारा लेकर आ रहा है। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि जो कुछ भी हमने कहा वो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के जीवन में कितना एप्लीकेबल होता है। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर 9714443110, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।